श्री रघुनाथ जी का दूसरा सबसे बड़ा उत्सव दशहरे के बाद बसंत पंचमी होता है। इसलिए आज एक ये सहयोग है कि कल ही जो है वो 26 जनवरी भी है, गणतंत्र दिवस है, इसलिए बाधा नहीं, कहीं भी नहीं होगी, क्योंकि वो उस ग्राउंड में डीसी साहब को हमने पहले ही लिखकर भेज दिया है और उन्होंने ये कहा है कि सारा जो कार्यक्रम है गणतंत्र दिवस का वो लगभग 1-1.5 बजे समाप्त हो जाएगा और हमारा वहाँ उस वक्त यहाँ पहुँचने का समय है। और जो रथ का रूट है वो आप देख रहे हैं, वो बिल्कुल साफ रखा है और नगर परिषद कल इसको और भी साफ करेंगी, सफाई करेगी। ऊपर वाले से प्रार्थना है कि मौसम अच्छा रहे। देखिए, पहली होली कल होगी, रघुनाथ जी की होली यहाँ ढालपुर मैदान में जहाँ कैंप टेम्पल है वहाँ से ही शुरू होती है। प्रथम होली बैरागी लोग अखाड़ा के और ढालपुर के इकट्ठा होकर गाते हैं और रघुनाथ जी उनके साथ भी होली खेलते हैं और जो शहनाई वादक है और रघुनाथ जी का बाजा नवाज है उनको भी गुलाल फेंका जाता है। तो कल से लेकर लगातार फिर रघुनाथ जी के मंदिर में 40 दिन रघुनाथ जी होली का उत्सव होता रहता है और जो आखिरी के 8 दिन होते हैं जो होलाष्टक कहलाते हैं, फिर बैरागी लोग शाम के टाइम में आते हैं, 8 दिन फिर वो होली गाते हैं, वहाँ डफ मंजीरा लेकर आते हैं और उसके बाद ही होली का दहन और लंका या होली का उत्सव और होली का दहन होता है। अभी रथ यहाँ बाहर निकाला है, इस जहाँ के इसको बंद रखते हैं, शुद्ध रखते हैं और इसको अभी सफाई होगी, फिर कल इसकी प्रतिष्ठा होगी। प्रतिष्ठा के बाद रघुनाथ जी यहाँ पर लगभग 12:30 तक पहुँचना आवश्यक है, क्योंकि अंधेरा भी हो जाता है शाम को, उत्सव के वापसी भी। भगवान से प्रार्थना है। और तीसरी चीज़ और है, कल ही जो है कमांड का पूर्व भी है। ये तीन चीज़ें सारी बारिश लाने वाली हैं, भगवान रक्षा करें।